हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 के एक टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी क्या टॉपिक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। मतलब कि जब दो लेंसों का एक दूसरे से संपर्क करा के रखा जाता है तो उनकी जो तुल्य फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है और एक किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम दो उत्तल लेंस ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक उत्तल लेंस ले लिया, एक ये पहला उत्तल लेंस ले लिया, इसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं L1। यहाँ पे हम इसका नाम क्या दे दिए भाई, L1। ये L1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और उत्तल लेंस ले ले रहे हैं। ये ऐसे एक दूसरा उत्तल लेंस है, इसका नाम हम लोग क्या दे दे रहे हैं भाई, L2। ये दो दो लेंस ले लिए, एक का नाम L1 और एक का नाम क्या, L2। अब इन दोनों को एक दूसरे से संपर्क करा देंगे। अब एक दूसरे से इसका हम संपर्क करा दे रहे हैं, एक दूसरे से इस तरह से ये संपर्क में क्या किए हैं भाई, रखे हैं। अब इनकी हमें तुल्य फोकस दूरी के लिए एक फार्मूले को डराइव करना है। तो चलिए समझते हैं। सबसे यहाँ पे ये क्या ले रहे हैं, इसका ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे हम क्या ले ले, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे मुख्य अक्ष ले लेते हैं, एक मुख्य अक्ष है। यहाँ पे मुख्य अक्ष लिए, मान लेंगे इनकी जो फोकस दूरी क्या होगी, F1, और इसकी फोकस दूरी बताओ क्या होगी भाई, F2। एक हम फोकस दूरी एक का मान लेंगे F1 और एक का मान लेंगे भाई क्या, F2। तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे माना माना दो दो उत्तल, दो उत्तल लेंस लेंस L1 व L2 एक दूसरे से संपर्क में, एक दूसरे से संपर्क में संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः क्या है भाई, क्रमशः F1 व F2 है। जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 व क्या भाई, F2 है। ये दोनों लेंस ले लिए। अब क्या करते हैं, इसके मुख्य अक्ष पर अब एक हम क्या करते हैं, इसके मुख्य अक्ष पर एक हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए। ये पता है कि जहां पे ऑब्जेक्ट होता है वहां से जो लाइट रे होती है, प्रकाश की किरण होती है, वो लेंस हो या मिरर पर इंसिडेंट होती है, यानी आपतित होती है। अब यहां से प्रकाश की किरण इस पर क्या होगी भाई, आपतित होगी। अब यहां से प्रकाश की किरण आपतित होगी। सबको पता है कि जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है उसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष की ओर क्या करती हैं, मुड़ती हैं। तो मुख्य अक्ष की ओर क्या करेंगे भाई, मुड़ जाएंगे, ये मुख्य अक्ष की ओर मुड़ेगी, जैसे दूसरे लेंस से टकराएगी। लेकिन अगर इसको आगे हम बढ़ाएं तो किसी ना किसी पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। उस पॉइंट पर पहले लेंस द्वारा क्या प्राप्त होगा भाई, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो पहले लेंस के लिए वस्तु क्या है भाई, ओ, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है भाई, I-। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेगा, दूसरे लेंस के लिए I-। वस्तु का कार्य करेगा, क्योंकि इस पर प्रकाश की किरणें इसी की ओर आती हुई प्रतीत होती है, यानी आपतित किरणें इसी की डायरेक्शन में है, इसलिए दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु का क्या करेगा भाई, कार्य करेगा। अब पुनः इससे एक बार अपवर्तन होगा, अब पुनः ये मुख्य अक्ष को किसी न किसी बिंदु पर, एक अन्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जहां पर इसका एक और प्रतिबिंब बनेगा जिसका नाम क्या है भाई, I। तो इस प्रकार हमने समझा कि एक प्रियताओं इन संयोजन के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु वो स्थित है जिसका पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब I- प्राप्त होता है, और I- दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और उसके द्वारा पुनः प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है भाई, I प्राप्त होता है। इस प्रकार इन टोटल संयोजन द्वारा वस्तु ओ का I प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
इस डेरिवेशन में बने रहने के लिए आप एक टॉपिक याद रखेंगे कि पहले लेंस के लिए वो वस्तु है और इसका इस पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है आई डैस, और दूसरे लेंस के लिए आई डैस वस्तु का कार्य करता है और आई इसके द्वारा बना क्या है भाई प्रतिबिंब है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एलेवन लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए एलेवन लेंस के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे एलेवन लेंस के लिए। एलेवन लेंस के लिए क्या हो जाएगा भाई, समझेंगे। एलेवन लेंस के लिए जो ओ है वस्तु का कार्य करता है और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है आई डैश। तो लिखेंगे एलेवन लेंस के लिए चाहे से लिख लेंगे एलेवन लेंस से वस्तु किसका भाई ओ का आई डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आई डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस के सूत्र से ये बता। तो लेंस का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, वन अपान एफ इजिकल टू वन अपान भी माइनस वन अपान यू, यानी वन अपान एफ मतलब लेंस की फोकस दूरी, भी का मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यू का मतलब वस्तु की दूरी। तो यहां पे हम लोग देखेंगे पहले लेंस के लिए इसकी फोकस दूरी मैंने क्या माना है भाई एफ वन। तो यहां पर लिखेंगे वन अपान एफ वन इजिकल टू वन अपान यहां पे भी, मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हम लोगों को पता है पहले लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब वो क्या है भाई आई डैश है। तो पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हम क्या मान लेंगे भाई भी डैश मान लेंगे। अब पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी भाई भी डैश। अब माइनस वन अपान यू मतलब वस्तु की दूरी, तो पहले लेंस के लिए वस्तु ओ है तो पहले लेंस से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा भाई यू हो जाएगा। कि आप लिख लेंगे यू, इक्वेशन नंबर क्या बना भाई फर्स्ट। क्या आप लोगों के बात समझ में आया, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए अब यहाँ पे हमने पहले लेंस के लिए कार्य किया, यही काम हम लोग दूसरे लेंस के लिए कार्य करेंगे। तो लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए। अब पता है दूसरे लेंस के लिए क्या है, दूसरे लेंस के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करता है और आई किसका कार्य करता है भाई प्रतिबिंब का कार्य करता है। तो लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए यानी एल टू लेंस के लिए, डायरेक्ट इसके जगह पे हम एल टू भी लिख सकते हैं एल टू लेंस के लिए क्या होता है भाई आई डैश वस्तु का कार्य करता है तथा इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है भाई आई है, बना प्रतिबिंब आई है। तो पुनः लेंस के सूत्र से, तो लिखेंगे पुनः लेंस के सूत्र से अब क्या था वन अपान एफ, अब इसकी फोकस दूरी दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है भाई एफ टू, तो लिखेंगे वन अपान एफ टू। अब वन अपान भी डैश यानी वह प्रतिबिंब की दूरी, अब हम जानते हैं दूसरे लेंस से बना प्रतिबिंब क्या है भाई आई है, इससे इसकी प्रतिबिंब इसको हम ओ मान लेंगे, इसको ओ डैश, इसकी दूरी क्या मान लेंगे भाई भी, यानी अंतिम प्रतिबिंब की दूरी भी है यानी दूसरे लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब हो क्या भाई भी है। तो लिख लेंगे वन अपान भी माइनस अब वस्तु की दूरी, तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु कौन कार्य करता भाई आई डैश, इसकी लेंस की इसकी दूरी कितना भाई भी डैश, ये पतला है इसलिए ये वाली दूरी लगभग हम लोग नगण्य मान सकते हैं, इसकी दूरी कितना भाई भी डैश, तो हम यहां से मान लेंगे वन अपान भी डैश, इक्वेशन नंबर क्या सेकंड, ये मैंने सेकंड लिख लिया। अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण एक प्लस किससे भाई दूसरी, समीकरण एक प्लस दूसरी, इसमें क्या वन अपान
एफ वन प्लस इसमें क्या है वन अपान एफ टू इजकल टू यहां पे क्या है वन अपान भी डैस माइनस वन अपान यू, यहां पे क्या है वन अपान भी माइनस वन अपान भी डैस, यहां पे प्लस है यहां पे क्या है माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से इसको हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे वन अपान एफ वन प्लस वन अपान क्या जी एफ टू इजकल टू ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा वन अपान भी माइनस वन अपान यू, इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे थर्ड। अब ये हम लोग का पास आ गया। अब ये क्या है, इसमें जो भी है इस टोटल संयोजन द्वारा बना प्रतिबिंब है, यू क्या है इस टोटल संयोजन के लिए क्या है वस्तु, यानी वस्तु यू ओ है, इस टोटल संयोजन के द्वारा जो बना अंतिम प्रतिबिंब वो क्या भाई भी है इसमें लिखा है। तो हम यदि ये मान लें लिखे यदि यदि संयोजन संयोजन की तुल्य फोकस दूरी तुल्य फोकस दूरी एफ हो तो, अब एफ हो तो क्या होगा इस वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू की जगह पे हम लोग वन अपान क्या लिख सकते हैं भाई वन अपान यहां से लिख सकते हैं वन अपान एफ, यहां से लिख लेंगे वन अपान क्या मिल जाएगा एफ इजकल टू वन अपान ए, बताओ इस टोटल संयोजन की फोकस दूरी एफ है, इस टोटल संयोजन के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या भाई भी, तो लिखेंगे वन अपान भी, इस टोटल संयोजन के लिए वस्तु क्या भाई ओ, तो वन अपान क्या यू, इक्वेशन नंबर फोर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अब यहां से देखिए समीकरण तीन और चार की कंपेयर करते हैं, ए भी वन अपान बी माइनस वन अपान यू, ए बी वन अपान बी माइनस वन अपान यू, तो ये दोनों बराबर है तो ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा बराबर, तो लिख लेंगे समीकरण ए बताओ क्या तीन व किससे भाई चार से, यहां से निकल क्या जाएगा वन अपान एफ इजकल टू वन अपान एफ वन प्लस वन अपान क्या एफ टू। तो ये हो गया दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ठीक, अब इसके आगे हम क्या करते हैं, ये इसका डेरिवेशन है दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अब इसके आगे के टॉपिक को हम लोग समझते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब लिखेंगे यदि इसी प्रकार से, यानी क्या इसी प्रकार से अगर यहां पे इसी के आगे बढ़ते हैं, यदि यहां पे लिख लें लिखेंगे यदि स्टार बना के नोट कर लेते लिखेंगे यदि अनेक लेंस क्या रखे हो भाई संपर्क में रखें हो तो, अनेक लेंस संपर्क में रखे तो सबका यही होगा वन अपान एफ इजकल टू वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू प्लस वन अपान एफ थ्री प्लस वन अपान एफ फोर प्लस डॉट डॉट करके कितना आ जाएगा वो वन अपान एफ एन, यानी जितना रहेगा सबके लिए सूत्र लगेगा, सबको हम जोड़ते जाएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि इसे और बेहतरीन तरीके से हम समझा सकें। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने समझा दो पतले लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी। अब इसके कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे हम समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, सबसे पहला कंडीशन जो हम लेंगे केस फर्स्ट में हम लोग समझेंगे यदि क्या हो, यदि F1 यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या F1 इजकल टू बताओ क्या F2 F1 बराबर F2 इजकल टू बताओ क्या F, यानी इनकी दोनों फोकस दूरी बराबर हो तब क्या होगा। चलिए इसी फार्मूले से चेक करते हैं, वन अपान यहां से लिख लेंगे एफ डैश, इसको बना लेंगे वन अपान एफ डैश इजकल टू वन अपान
एफ वन की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ प्लस वन अपान एफ। अब दोनों का हर बराबर है तो वह जुड़ जाएगा, वन वन टू टू अपान एफ। इसको पलटी करेंगे तो भी पलटी हो जाएगा, एफ डैश अपान एफ अपान क्या मिलेगा, टू। तो हमने देखा कि जो तुल्य फोकस दूरी है इन फोकस दूरी के क्या है, आधा। इसका मतलब संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की अगर फोकस दूरी बराबर है तो उनकी जो तुल्य फोकस दूरी होगी इन लेंसों के फोकस दूरी के क्या होगी, आधी होगी। यहां से हम क्या लिख लेंगे, अर्थात अर्थात यदि संपर्क में रखे दोनों लेंसों की फोकस दूरी बराबर हो तो इनके फोकस दूरी के आधा होगी। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर क्या करते हैं, अगर दो लेंस है और दोनों लेंसों की फोकस दूरी इक्वल है, यदि उसको संपर्क में रखा जाता है तो उन दोनों की जो तुल्य फोकस दूरी होगी भाई वो क्या होगी, बराबर होगी। इसका तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मेरे पास ये दो लेंस है, ये दोनों उत्तल लेंस है। अब पहले एक लेंस की हम यहां फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए यहां पे ज्ञात किए, देखिए यहां पे अभी एक जो छोटा पॉइंट है इस लेंस का फोकल लेंथ है। अभी क्या करते हैं, ये दो उत्तल लेंस ले लेते हैं, दोनों उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रख लेते हैं और फिर इस पे प्रकाश किरणों को क्या करते हैं भाई, आपतित करते हैं। चलिए इस पे आपतित करते हैं। अब देखिए इसकी फोकस दूरी, अब यहां पे इसकी फोकस दूरी यहां पे हो गई, ये फोकस दूरी कम हो गई ना। यही अगर एक लेंस हटा देते हैं, यहां से आपतित कर देंगे, फोकस दूरी नहीं है, और आगे लाएंगे इस पीछे लाएंगे तब इसकी फोकस दूरी यहां पे क्या होगी भाई, कम होगी। इस तरह देख रहे हैं जो छोटा पॉइंट है इसकी फोकस दूरी है। यही अगर लेंस डबल लेते हैं तो यहीं पे देखिए इतना दूरी पे नहीं होगी, इससे और कम हो जाएगी। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं कि देखिए इसकी फोकस दूरी वहां पे क्या हो गई, देखिए कम हो गई। अब और पास ले जाएंगे तब आएगा, देखिए और यहां से पास ले जाएंगे तब इसकी फोकस दूरी यहां पे आएगी। देखिए अब यहां पे आ गई इसकी फोकस, पहले वो दूर बन रही थी अब क्या बन रही है, कम। इस प्रकार से हमको क्या समझे कि अगर दो उत्तल लेंस है, अगर क्या होता है, अगर इन दोनों की फोकस दूरी समान है तो जो क्या होता है, इनकी जो तुल्य फोकस दूरी होती है दोनों लेंसों के फोकस दूरी के क्या होती है भाई, आधा होती है। तो चलिए अब इसके किस नंबर हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं, किस नंबर सेकेंड क्या है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब किस नंबर सेकेंड पढ़ेंगे, किस सेकेंड, ये किस नंबर सेकेंड, किस फर्स्ट था अब हम लोग लिखेंगे किस सेकेंड। अब किस सेकेंड में क्या है, एक लेंस अवतल हो और एक लेंस उत्तल हो तब क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। लिखेंगे एक लेंस उत्तल व एक अवतल अवतल हो तो क्या आ जाएगा बताओ, हमको पता है F1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, ये प्लस F होगा, ठीक, क्या होगा प्लस, इसको हम प्लस में रखेंगे प्लस F1। आइए हमको पता है यानी इसकी से लिख रहे हैं ये पॉजिटिव, हम लिखेंगे F1 को हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। लेकिन जब क्या है F2 की बात होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव। अब इसको हम लोग साइड कर सकते हैं, वन अपान F1 इज वन अपान F, इसको डबल डैश बना लेते हैं हम लोग, F डबल डैश कर लेते हैं, वन अपान यहां पे F ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, F कर ले, वन अपान F इक्वल टू वन अपान F1 के जगह पे आप क्या लिखेंगे, प्लस F1, F2 के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस F2 लिखेंगे। अब वन अपान F इक्वल टू वन अपान F1 प्लस माइनस माइनस वन अपान F2, ये बना।
अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, वन अपान एफ इजकल टू ए बताओ एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन से एफ वन कैंसिल, एफ टू से मल्टीप्लाई होगा एफ टू माइनस एफ वन, ये हुआ। अब इसको पलटे करेंगे तो ये भी पलटे हो जाएगा एफ वन इंटू एफ टू अपान एफ टू माइनस क्या जी एफ वन, ये आया ठीक। अब इससे तीन कंडीशन निकल के आएंगे, अब वो तीन कंडीशन क्या है उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन है ये बताओ क्या, ए। सबसे पहला कंडीशन हम लेते हैं ए, अगर हम ये कहें कि एफ टू ग्रेटर देन एफ वन, मतलब उत्तर ये बताओ एफ टू क्या है, एफ टू है ये बताओ अवतल और एफ वन क्या है उत्तल। अगर कहें अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो तब क्या होगा, देखें तब इस कंडीशन में यहां पर देखें एफ टू माइनस एफ वन, मतलब एफ टू बड़ा है एफ वन छोटा है। सबको पता है जब बड़े में से छोटे को घटाते हैं पॉजिटिव आता है, तो इस प्रकार यहां से हम कहेंगे एफ टू माइनस एफ वन इजकल टू पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब इसकी तुल्य जो फोकस, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, इसकी जो तुल्य फोकस दूरी होगी वो क्या होगी भाई, पॉजिटिव आएगी। तुल्य फोकस दूरी जब पॉजिटिव आएगी तो किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस, क्योंकि पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव। तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि एक उत्तल लेंस हो और एक अवतल लेंस हो, अगर इन दोनों लेंसों में अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक हो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो तो ये सदैव किसके तरह व्यवहार करेगा भाई, ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ये उत्तल उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह क्या करेगा भाई, व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा, ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अब इसमें बी पॉइंट, अगर हम ये कहें एफ टू लेस देन एफ वन, एफ टू छोटा है एफ वन क्या है बड़ा, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है बड़ा है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है भाई छोटा है, तब हम क्या करेंगे एफ टू में से एफ वन घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। कैसे, क्योंकि एफ टू बड़ा है एफ वन नहीं, एफ टू छोटा है एफ वन बड़ा है, और छोटे में से बड़े घटाने पर सदैव निगेटिव, इसकी फोकस दूरी भी क्या आएगी निगेटिव। और जब निगेटिव आएगी तो सबको बात पता है कि ये बता यह किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, यह अवतल लेंस की तरह क्या करेगा व्यवहार करेगा, यह अवतल लेंस की तरह क्या करेगा भाई व्यवहार करेगा, ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर, ये पॉइंट आया तो याद रखेंगे, अगर एक अवतल हो और एक उत्तल हो दोनों को संपर्क में रखा जाए तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी वो उसी लेंस की तरह क्या करेगा भाई व्यवहार करेगा। अब क्या सीस का क्या है, सी भी समझ लेते हैं। अगर ये हो जाए एफ टू किसके बराबर हो जाए एफ वन के, दोनों इक्वल हो जाए तो एफ टू की जगह पे एफ वन, एफ वन की जगह पे एफ टू, तब क्या हो जाएगा एफ टू माइनस एफ वन की वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो। जब जीरो होगा तो ये हम देख रहे हैं एफ की वैल्यू ये जीरो में किसी नंबर में डिवाइड करते इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होगा भाई इनफाइनाइट होगा तो समतल प्लेट बन जाएगा। समतल प्लेट का मतलब पते नहीं चलेगा कि इसका संयोजन हुआ है कि नहीं हुआ, एकदम मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बताओ इसकी फोकस दूरी दोनों इक्वल हो जाएगी, यहां पे हो जाएगा एक किसकी तरह व्यवहार करेगा भाई, यह समतल समतल प्लेट की तरह, समतल प्लेट की तरह, समतल किसकी तरह, समतल प्लेट की तरह व्यवहार करता है। ये भी मक्खी पढ़ने आ गई है भाई, ये समतल प्लेट, ये समतल प्लेट की तरह क्या करेगा भाई व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, क्लास टेंथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दो पतले लेंसों के संयोजन के तुल्य फोकस दूरी को पढ़ा और इसके एक एक कंडीशन को भी समझे। अगर फिर भी आपको ये वीडियो समझ में न आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले।
आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते।